वेलकम स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ये लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच हुई थी। इस लड़ाई में एक छोटे यानी कम उम्र के योद्धा ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इतिहास में अमर हो गया। उस योद्धा का नाम था वीर अभिमन्यु। इस चैप्टर में हम लोग इस महान योद्धा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार वीरता के साथ लड़ते हुए यह अनेकों वीर योद्धाओं के साथ अकेला लड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर वीर अभिमन्यु। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह घायल होकर सैया पर पड़े थे। सैया मतलब बिस्तर। और भीष्म पितामह जिस सैया पर पड़े थे वो बाणों की सैया थी जो अर्जुन ने उनके लिए तैयार किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने सेना के नेतृत्व की बागडोर संभाली परंतु उन्हें युद्ध में कोई सफलता नहीं मिली। दुर्योधन आचार्य को उल्हाना और ताने देते हुए कहने लगा, आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात मतलब भेदभाव। यदि आप दिल से चाहें तो पांडवों पर विजय पाना आपके लिए सरल है यानी आसान है। आचार्य द्रोण ने उत्तेजित होकर कहा यानी गुस्सा होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। यानी अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था धनुष विद्या में। तुम यदि किसी तरह अर्जुन को कहीं दूर हटा दो तो कल पांडवों का कोई महान वीर युद्ध में अवश्य मारा जाएगा। आचार्य की बात सुनकर दुर्योधन खुशी से उछल पड़ा। उसने छल कपट से कुछ योद्धाओं के द्वारा अर्जुन को युद्ध की चुनौती दिलवा दी। वे योद्धा अर्जुन को संग्राम की मुख्य भूमि से कहीं दूर ले गए। इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। चक्रव्यूह के समाचार को सुनकर पांडवों में चिंता की लहर दौड़ गई। यानी सब चिंतित हो गए क्योंकि किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। पांडवों में अकेले अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद सकते थे। अर्जुन के न होने से पराजय अस्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। पराजय मतलब हार। युधिष्ठिर भाइयों से चक्रव्यूह के विषय में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी 16 वर्षीय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वहां आ पहुंचा। उसने सबको प्रणाम करके चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर से चक्रव्यूह की रचना की बात सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? यदि आज यहाँ पिताजी नहीं हैं, तो उनका पुत्र अभिमन्यु तो है। आप मुझे चक्रव्यूह भेदने की अनुमति दीजिए। मैं अकेला ही चक्रव्यूह में प्रवेश करके शत्रुओं का घमंड चूर कर दूंगा। चिंतातुर युधिष्ठिर बोले, पुत्र तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन काम होता है। चिंतातुर मतलब बहुत चिंतित। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार बनाए जाते हैं। प्रत्येक द्वार को तोड़ने की अलग विधि होती है। तुम्हारे पिता के अलावा और कोई चक्रव्यूह को नहीं भेद सकता। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं चक्रव्यूह तोड़कर दिखा दूंगा। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। अभिमन्यु ने अपने हठ को फिर दोहराया, लेकिन तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि कब सीखी? युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट की। अभिमन्यु बोला, एक बार पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। तब मैं माँ के गर्भ में था और मैंने उसे गर्भ में ही सुन लिया था। हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं माता के सो जाने के कारण नहीं सुन सका था। किंतु उससे क्या, जब उसमें प्रवेश करके उसे तोड़ ही दूंगा तो वहां से निकलने में भी कठिनाई नहीं होगी। अभिमन्यु की वाणी ओजस्वी हो गई यानी तेज हो गई। लेकिन तुम अभी 16 वर्ष के बालक हो। कौरवों के उद्धट योद्धाओं के सामने युद्ध में हम तुम्हें कैसे भेज दें? चिंतातुर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से फिर कहा। अभिमन्यु ने कहा, महाराज मैं एक वीर पुत्र हूँ। शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं? यानी शत्रु अगर चुनौती दे तो मैं कैसे बैठा रह सकता हूँ? ऐसा हो नहीं सकता। यह सोचने का समय नहीं है।
बस मुझे आपकी अनुमति चाहिए। कोई और रास्ता न देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, यानी आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर आचार्य द्रोण थे। अभिमन्यु ने गुरु के चरणों में बांध छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य को समझते देर नहीं लगी कि यह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का बाण है। बाणों की वर्षा करता अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया। उसके साथ भीम और अन्य पांडव भी थे। भीम ने आचार्य द्रोण का रथ उलट दिया और वे सब भी चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर पहुंच गए। चक्रव्यूह के इस द्वार की रक्षा का भार जयद्रथ पर था। अन्य कौरव योद्धा भी उसके साथ थे। अभिमन्यु ने इन सभी के साथ भयंकर युद्ध किया। दुर्योधन भी उसके सामने नहीं ठहर सका और उसका पुत्र लक्ष्मण भी अभिमन्यु द्वारा मारा गया। अभिमन्यु तो अपने युद्ध कौशल से द्वार को भेदकर आगे निकल गया, लेकिन जयद्रथ ने शेष पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब अकेला अभिमन्यु ही शत्रुओं से लोहा लेता रहा। उसकी बाण वर्षा इतनी तीक्ष्ण थी, यानी इतनी तेज थी कि कौरवों के छक्के छूट गए और वे तितर बितर होने लगे, यानी इधर उधर हो गए। अभिमन्यु के शौर्य से कौरवों में हड़बड़ाहट फैल गई और अभिमन्यु इतनी तेजी के साथ, इतनी वीरता के साथ लड़ रहा था कि उसकी वीरता के आगे सारी कौरव सेना में हड़बड़ाहट फैल गई, यानी सब चिंतित होने लगे। अभिमन्यु ने अन्य चार द्वार भी भेद डाले। चक्रव्यूह के अंतिम द्वार के टूटने की आशंका से दुर्योधन ने अपने साथ महारथियों को ललकार कर कहा, देखते क्या हो, जब यह किसी के अलग अलग बस में नहीं आता तो एक साथ मिलकर आक्रमण क्यों नहीं करते। अब नीति अनीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है जय और पराजय का। इतना सुनते ही सातों महारथी भेड़ियों की भांति अभिमन्यु पर टूट पड़े और एक साथ बाणों की बौछार करने लगे। सिंह सावक की तरह अभिमन्यु उन सातों से अकेला ही लड़ता रहा, लेकिन कहां अकेला बालक अभिमन्यु और कहां सात महारथी। उसका सारथी मारा गया। प्रत्यंचा के कट जाने से धनुष भी बेकार हो गया। अभिमन्यु निशस्त्र हो गया, फिर भी घबराया नहीं। वह अपने टूटे रथ का पहिया लेकर शत्रुओं से लड़ने लगा। पहियों के टूट जाने पर वह वीर बालक निहत्था हो गया। उसका सारा शरीर बाणों से छलनी हो गया था। घावों से खून की धाराएं बह रही थी। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारते हुए आचार्य द्रोण से कहा, गुरुवर, यह कैसी अनीति है, एक निहत्थे पर वार हो रहे हैं और आपने मौन साध रखा है। मौन साध रखना मतलब चुपचाप रहना। द्रोणाचार्य कुछ बोले तो नहीं, पर उनका सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि कौरव सेना अनीति का पालन कर रहे थे, यानी युद्ध नीति का पालन नहीं कर रहे थे। वो सात महारथी मिलकर एक निहत्थे अभिमन्यु पर वार कर रहे थे। इतने में दुशासन का पुत्र अभिमन्यु के पीछे पहुंच गया और उसने अभिमन्यु के सिर पर गदा से भरपूर वार किया। इस वार को वह सिंह सावक झेल न सका। सिंह सावक मतलब शेर का बच्चा। झेल न सका यानी दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पे गदा से पीछे से वार किया और अभिमन्यु बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी युद्ध करते हुए वो मारा गया। युद्ध के 13वें दिन पांडव पक्ष की यह सबसे बड़ी क्षति थी, यानी सबसे बड़ी हानि, क्योंकि उन्होंने एक वीर योद्धा को खो दिया था। युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति मिली। अपने साहस और पराक्रम के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। उसने सात महारथियों के साथ अविचलित रहकर अकेले युद्ध किया। अभिमन्यु की शौर्य गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। तो इस प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक वीर योद्धा केवल 16 साल की उम्र में सात सात महारथियों से, जो कि युद्ध कला में पारंगत थे, उनसे अकेला ही बिना घबराए हुए युद्ध करता रहा। अंत में एक अकेला सात महारथियों के द्वारा, जो कि निहत्था था अभिमन्यु, वो मारा गया। फिर भी इस वीर योद्धा ने इतिहास में एक अलग अध्याय जोड़ दिया और हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी अभिमन्यु की शौर्य गाथा हमें प्रेरणा देती है कि विपत्ति में भी, मुश्किल की घड़ी में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अविचलित होकर, यानी स्थिर होकर, शांतचित होकर विपत्तियों का सामना करना चाहिए। और वीर योद्धा कभी मरते नहीं हैं, वो सदा अमर रहते हैं, जैसा कि अभिमन्यु आज भी अमर है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। धन्यवाद।